बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर स्वागत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कौवे का जो अलग अलग रूप है वो हमें नज़र आता है। कई बार कई लोग कहते हैं कि कौवा हमारे सर पर चोंच मारकर चला जाता है, हमारे कंधे पर बैठ जाता है, सुबह घर पर आकर काँव काँव करता है, रात को आता है, तो उनका क्या क्या प्रभाव रहता है। तो सबसे पहले बताते हैं कि कौवे को एक ऐसी क्षमता प्रदान होती है कि वो काफ़ी चीज़ों को देख सकता है। शनिदेव का वाहन है वो, शनिदेव उस पर विराजमान होकर घूमते हैं। और काकभुशुंडी नामक एक ऋषि रहे थे, उनका ये नाम क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो वो एक ऋषि हैं जो आज भी हैं, अमर हैं। जब राम जी ने अपना धार उधार कह रहे हैं उनका अवतरण हुआ था, तो जो छोटे से थे वो मालपुआ खा रहे थे, तो काकभुशुंडी जी उनसे मिलने गए, तो वो कभी उनको दिखाते और देते नहीं, तो बड़े चिंता में हो गए। उन्होंने कहा कि क्या सचमुच ये विष्णु भगवान का अवतार है कि नहीं, ये मुझे क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं, क्या कारण हो गया है। फिर राम जी ने उनकी सारी शंकाएं दूर करी। तो कौवों को श्रेष्ठ माना जाता है। कौवे कई बार उन चीज़ों को देख लेते हैं जो साधारण मनुष्य नहीं देख पाते हैं। अगर सुबह सुबह काव आपके मेन गेट पर काँव काँव करता है तो काफ़ी शुभ माना जाता है। घर में अतिथियों का आगमन होता है, कोई शुभ कार्य होता है। अगर कहते हैं रात को अगर कौवा आपके घर पर काँव काँव करता है तो ये बहुत अशुभ होता है, घर पर कोई ना कोई विपत्ति आने वाली है, क्योंकि कौवे को हर तरह का एक रूप माना जाता है। कागासुर ने श्री कृष्ण भगवान की वध करने की कोशिश की थी, तो वो श्री कृष्ण भगवान पर हमला करता है और भगवान उनका उद्धार कर देते हैं। तो जो कौवे हैं अगर वो आपको दिख रहे हैं, कई बार आपके सर पर आकर बैठ जाते हैं, कंधे पर बैठते हैं, अगर वो शांत भाव में होते हैं तो उसका फल अच्छा होता है। अगर वो आपको चोंच मारते हैं, कष्ट देते हैं, तो इसका मतलब आपके जीवन में कष्ट आने वाला है, तो आप शनिदेव की पूजा करें। अगर आपको लगता है कि काव कौवा और कवि का आप आपस में प्रेम करते हुए देखते हैं तो वो बहुत अशुभ होता है, क्योंकि कोई भी प्राणी व्यक्ति आप उनको प्रेम करते हुए ना देखें उससे पाप लगता है। कहते हैं कि अगर सुबह सुबह आप देखते हैं कि जो आपने पानी डाला हुआ है अपने घर में पक्षियों के लिए या वैसे ही आंगन में रखा हुआ है, अगर कोई कौवा उसका सेवन कर रहा है तो उसका फल बहुत अच्छा होता है। अगर कौवा आपके मेन गेट पर बैठा है, बिल्कुल शांत स्वभाव से बैठा है और सुबह का समय है, तो इसका भी जो प्रतीक है आपको अच्छा मिलेगा, शुभ लाभ होगा। और अगर आपको दिखता है कि जो मेन गेट पर कई बार बहुत सारे कौवे आ जाते हैं, एक से ज़्यादा आ जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि कौवों का आगमन कई शास्त्रों में बहुत निर्गुण माना जाता है, बेकार माना जाता है। पर हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि कौवों में ऐसी शक्ति होती है कि जो हम अर्पण करते हैं श्राद्धों के दिनों में, वो कौवे ही हमारे पितरों तक पहुंचाते हैं। इसलिए काग को कभी मारना नहीं चाहिए। और अगर आपको कोई कौवा तंग करता है तो शनिदेव की पूजा आराधना आप शुरू कर सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल लाइव आते हैं, माँ काली साधना DMD माता की चौकी सुमित भगतनी सेरिया धाम हम लाइव आते हैं। लाइव के द्वारा आपकी समस्याएं सुनते हैं, अलग अलग विषय में आपसे बात करते हैं, वीडियोस आती हैं, आप हमारी वीडियोस देखा करो, हमसे जुड़ने की कोशिश करो। कोई भी आपकी जो प्रॉब्लम है हम उनको सुनेंगे, कोशिश करेंगे आपकी सारी समस्याएं बताने की। बोलो जय श्री राम।